नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो एक एक करके सारे कंपनीज के इंपॉर्टेंट अपडेट के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा बंधन बैंक के बारे में। देखिए, बंधन बैंक के ऊपर बहुत सारे लोग मुझे एक कमेंट्स कर रहे थे कि सर बंधन बैंक बेकार कंपनी है, और कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि बंधन बैंक बहुत शानदार कंपनी है। तो दोनों बात को मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, अगर उस सिचुएशन को देखा जाए तो बंधन बैंक खराब ही लगेगा, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू ईयर से, मतलब कोविड के बाद, कंपनी जिस तरीके से भागना चाहिए था उतना तो भागा नहीं, उल्टा कंटिन्यूसली कंपनी सेलिंग होते चले जा रहे हैं। इसके पीछे पिछले वीडियो में मैंने रीज़न भी आपको बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या सही में बंधन बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है, क्या बंधन बैंक ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है। तो चलो कुछ अपडेट्स पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि बंधन बैंक का जो Q2 रिजल्ट आने वाला है, देखिए Q1 का तो रिजल्ट हो चुके हैं, अभी Q2 का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो Q2 का रिजल्ट जब आएगा तो उससे पहले ही एक अपडेट आया कि टोटल डिपॉजिट रेज 27%। देखिए, बैंकिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या होते हैं? डिपॉजिट। क्योंकि बैंकिंग के दो तरीके से डिपॉजिट आते हैं, एक सेविंग अकाउंट में, एक करेंट अकाउंट में, और बाकी देखा जाए तो FD में। तो इस तरीके से डिपॉजिट बैंक बैंक के अंदर आते हैं। तो बैंक जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो है सेविंग और करेंट अकाउंट से आने वाला पैसा, क्योंकि उसमें सबसे कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो 27% का जो टोटल डिपॉजिट ग्रोथ हुआ, तो ये बैंकिंग के लिए बहुत खास रहेगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि देखिए, द बैंक रिपोर्टेड 21.4% एडवांस इन लोन एंड एडवांस रुपीज़ 1.31 लाख करोड़ इन द सेकेंड क्वार्टर। तो सोचिए, टोटल बैंकिंग को जो लोन मिला, मतलब बैंकिंग को जो पैसा मिला, देखिए लोन मिलने का मतलब क्या है, जो लोग डिपॉजिट किया तो वो तो एक्चुअली आपको पैसा ही दे रहा है ना, तो आपको तो एज ए लोन हिसाब से उस पैसे को लेना पड़ रहा है, क्योंकि आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से 1.31 टोटल लैक्स का लोन यहाँ पे मार्केट से उठा पाए। तो इसके अंदर सेविंग अकाउंट भी है, करेंट अकाउंट भी है, FD भी है, तो सब कुछ मिलाकर ये सारे पॉइंट्स देखा गया है। तो बेसिकली मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट है, क्योंकि कोई भी कंपनी के कासा रेशियो, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कासा रेशियो, तो कासा रेशियो जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे देखिए पिछले बार का कासा रेशियो था 33.2%, सॉरी यहाँ पे पिछले बार कासा रेशियो था 38.5%, वो घट चुके थे और इसके कारण ही कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे थे। अभी कासा रेशियो 33.2% हो चुके हैं। कासा रेशियो का परसेंटेज जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक को फिर से रिकवरी करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट का ध्यान रखना होगा, उसके बाद कंपनी रिकवरी कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी के ऊपर दिक्कत पॉइंट सबसे ज़्यादा है उसका NPA, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो NPA देखिए सबसे पहले 3-3.5% हुआ करता था, अभी घट के 1.15% के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनीज के ऊपर जो NPA देखने को मिला, NPA का जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से मुझे लगता है जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला, उस डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज अभी भी है। थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है, क्योंकि 1.15% का डेप्थ बहुत डेप्थ नहीं, NPA बहुत ज़्यादा होते हैं। NPA जितना बढ़ेगा उतना ही बैंकिंग के लिए मतलब एक नेगेटिव इशू खड़ा करेंगे, इसी कारण के वजह से लगातार गिरते चले जा रहे हैं। तो क्या बैंक फिर से खड़ा हो नहीं पाएंगे? हाँ, ज़रूर हो पाएगा। बैंक सारे पॉइंट्स को अगर रिकवरी कर पाए तो फिर से वो रिकवरी कर सकते हैं। तो बाकी बैंक के जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो पहले डिस्कशन किया था कि कंपनी जिस तरीके से लगातार वो सेलिंग प्रेशर में है, वो नीचे आएगा और 182 लेवल तक वो सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से और भी गिरे तो नीचे जो लेवल्स है 151 का, उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स है, इस लेवल तक वो जाने का कोशिश करेंगे। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। तो बेसिकली ओलेक्ट्रा गिनटेक इंडिया के एक सबसे सबसे पॉपुलर कंपनी इसीलिए जाना जाता है, क्योंकि ओलेक्ट्रा गिनटेक अकेला एक फर्स्ट टाइम बस और ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में, वो भी EVs के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा शिफ्ट हुआ सबसे पहले ओलेक्ट्रा गिनटेक, और वो भी बस और ट्रक बनाने के लिए। तो देखिए, ओलेक्ट्रिक इंटेक के दो मेजर बिजनेस है, एक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाना, मतलब बस एंड ट्रक्स बनाना, और दूसरा है
पॉलीमर इंसुलेटर बनाना, तो जिसके ऊपर कंपनी 80% बिजनेस करता है और बाकी सारे के सारे बिजनेस कंपनी के इस बसेस के ऊपर है। तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों को मुझे कमेंट्स किया जा रहा था कि कंपनी सर लगातार गिरती क्यों चले जा रहे हैं, अगर गिरे तो कहाँ तक आ सकते हैं। देखिए मेरे जो जितनी समझ है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे जो यहाँ पे पैटर्न्स देखने को मिला, एक बाइंग का रेंज, मतलब यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम हुआ, इसका मतलब बड़ी इंस्टीट्यूशन ने इस जगह पे माल खरीदारी की है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस टाइम माल खरीदारी किया गया है? तो टाइम देख लीजिए, टाइम अराउंड जनवरी 2024 और वो भी 4 तारीख के आसपास। तो इसके लिए आपको जाना है इन्वेस्टर के हिसाब आसपास में, उसके बाद ट्रेड्स के हिसाब से यहाँ पे बल्क डील। तो यहाँ पे जनवरी के 4 तारीख को आपको देखना होगा। तो नीचे जाइए, अभी देख सकते हैं जनवरी के 4-5 तारीख में, देखिए 1 तारीख में भी बहुत बड़ा तगड़ा बाइंग किया गया, 2 तारीख 4-5 तारीख को भी तगड़ा बाइंग किया गया और 8 तारीख को भी तगड़ा बाइंग किया गया। तो इतनी क्वांटिटी अगर बाइंग करेंगे, देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे बाई भी एक ही दिन में हो रहा है और सेल भी एक ही दिन में हो रहा है और वो भी एक ही कंपनी बाई सेल कर रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका तो नुकसान होगा ना। देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है, वो रीज़न यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। अगर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि यहाँ पे बाई सेल एक ही कंपनी क्यों कर रहा है, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए, इसके बारे में जानना है आपको, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली एक ही दिन में एक ही इंस्टीट्यूशन बाई सेल क्यों करता है, तो उसका क्या फ़ायदा। तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा, उससे पहले जान लीजिए इलेक्ट्रिक इंटे के ऊपर। देखिए इतने बड़े बड़े क्वांटिटी बाइंग इसीलिए किया गया, तो इसीलिए कंपनी एक रॉकेट की तरह भागा। तो जब बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाई किया, इसका मतलब वो नीचे आने के बाद फिर से वहाँ से बाई करेंगे। तो इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब इस नीचे लेवल तक 1330 रुपीज़ तक आएगा, कब एक अच्छा खासा एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि हाई लेवल में एंट्री लेना बहुत बड़ा जोखिम वाला बात हो जाएगा। इसलिए मैंने टॉप में कभी भी काम नहीं किया, हमेशा मैं स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम किया। और मैं आपके साथ इतने सारों सारे दिन, मतलब इतने सारे वीडियोस के अंदर सारे पॉइंट्स को शेयर करता रहता हूँ। तो आप हमेशा जब भी काम करें तो इस चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, और ये सारे अपडेट्स पाने के लिए आप जरूर नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। देखिए वहाँ पे कोई आपको पेड वर्सन कोई बेचा नहीं जा रहा, आपको सिर्फ इसी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को डिटेल्स में समझाया जा रहा है। तो आप जाकर उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देख सकते हो, वहाँ पे जाकर मार्केट के अपडेट देख सकते हैं। तो जाकर अभी ज्वाइन करिए टेलीग्राम को। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो बेसिकली रेलवे विकास निगम लिमिटेड के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहली बात क्या है, इस कंपनी के ऊपर अगर मैं डिटेल्स देखूँ तो कंपनी इसके ऊपर रेवेन्यूज घटते चले जा रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे थे कि रेलवे कंपनी भाग क्यों नहीं रहा, मतलब भाग क्यों नहीं रहा, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि कंपनी का अगर सेल्स डाउन हो जाए तो कंपनी कहाँ से भागेगा। दूसरी बात, अगर प्रॉफिट भी डाउन हो जाए तो वहाँ पे भी कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज आएगा। तो ये कुछ कारण है जिस कारण के वजह से मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है, और इसी प्रेशराइज के कारण कंपनी गिरते चले जा रहे हैं। तो बाकी कंपनीज के ऊपर जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से बात करूँ तो आप ध्यान से देखना, कंपनीज के ऊपर इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा देखिए उल्टा माल को ज़बरदस्त खरीदारी कर रहा है। FS ने भी खरीदारी की है, DS ने भी किया। हाँ आप कहेंगे सर प्रोमोटर के पास तो 72% होल्डिंग्स है, बाकी तो इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा नहीं है, पब्लिक के पास ज़्यादा है। हाँ पब्लिक के पास ज़्यादा है मानता हूँ, फिर भी इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर पार्टिसिपेट कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनीज के ऊपर जो डेटा है, कंपनीज के ऊपर जो यहाँ पे डेटाबेस देखने को मिला, उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस है। बाकी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो रेंज क्रिएट हुआ, इस रेंज के अकॉर्डिंग जब नीचे लेवल को टच करेगा तब एक बिग एंट्री बन सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, उससे पहले भी एक ट्रेड था वो ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है, अभी नेक्स्ट ट्रेड जो बनने जा रहा है कुछ इस रेंज के बेसिस में, क्योंकि इसका जो टोटल सपोर्ट लेवल था, देखिए ध्यान से मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ और भी आपको समझने में आसानी होगा। देखिए एक सपोर्ट लेवल था, स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी किया, इसका मतलब सीधा सीधा वो नीचे आने का चांसेस रखेंगे, और वॉल्यूम भी वीक होता चला जा रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर एक रहेगा, धीरे धीरे करके वो नीचे आएगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करना, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एक्सिटा कॉटन्स लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है 560 करोड़ का, चार्ट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी देखिए सितंबर में कंपनी क्या दिया था, बोनस दिया था। तो इस बार कंपनी देखिए स्प्लिट भी कंपनी दे चुके हैं,
कंपनी बता रहा है कि इस बार फिर से नेक्स्ट मतलब टाइम में फिर से एक बार बोनस इश्यू करने वाला है। तो जब बोनस आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।